हेलो किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर ऑफ जीके, दैट इज़ योर बुक लर्न वेल। एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज पपेट्री इन इंडिया। पपेट्स क्या होते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा दिस वर्ड। कठपुतली बोलते हैं हम हिंदी में पपेट्स को। तो इंडिया में पपेट्रीज का क्या रोल है, किस तरह का, जो हमारे ये बहुत पुरातन टाइम से ये चलता आ रहा है, तो उसका क्या स्टेटस है प्रेजेंट, और किस तरह की अलग अलग प्रदेशों में किस तरह की पपेट्स चलती हैं। सो लेट मी शो यू अ लिटल ब्रीफ काइंड ऑफ क्लिप्स। आई विल शो यू साइड बाय साइड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड आई फील इसको जब आप देखेंगे तो आपको वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड मज़ा आएगा। एंड आई एम एन्जॉइंग वाइल मेकिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल ऑल्सो इन्जॉय वाइल लर्निंग अबाउट द पपेट्री इन इंडिया। सो लेट मी शो यू सम ऑफ द क्लिप्स ऑफ पपेट्स। सो दिस इज ऑल यू आर वॉचिंग, दीज आर ऑल पपेट्स, कठपुतलियाँ विद विच, मतलब दीज वर्क्स विद आइदर विद द स्ट्रिंग और विद द रोड्स और विद द ग्लव्स। तो ये एक काइंड ऑफ पपेट्स होते हैं, कठपुतलियाँ होती हैं जो या तो रॉड्स की बनी होती हैं, उनके ऊपर सुंदर सुंदर कपड़े ढाले होते हैं और स्ट्रिंग की मदद से या फिर रॉड की मदद से वो वर्क करती हैं। सो लेट अस रीड द चैप्टर। इंडिया हैज़ अ रिच एंड एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ पपेट्स। भारत जो है उसका बहुत ही पुरातन ये एक ट्रेडिशन है, ये एक परंपरा है, या यू कैन से काइंड ऑफ एक बहुत पुरातन समय से ये चलता आ रहा है पपेट्स का ट्रेडिशन जो है। दे वर यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। और इसको पपेट्स को एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए एंड एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था। द एपिक्स एंड लेजेंड फॉर्म द मेन थीम्स ऑफ द पपेट्री थिएटर। एपिक्स एंड लेजेंड फॉर्म, एपिक्स मतलब कुछ पुरातन कहानियाँ हैं, हम कह सकते हैं कुछ पुरातन जो हमारी स्टोरीज, हम यू कैन से वो इनकी मेन थीम होती है पपेट थीम्स की, पपेट की, पपेट थिएटर्स की। मतलब इसमें कुछ गाना बजाना होता है और कई पपेट्स में कुछ स्टोरीज भी सुनाई जाती हैं एंड उसको पपेट्स के द्वारा इनेक्ट किया जाता है। पपेट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी एंड आइडेंटिटी। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये जो है उनकी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, मतलब अलग अलग टाइप के पपेट्स पाए जाते हैं उनके वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से। लाइक राजस्थान के हैं तो वो राजस्थानी ड्रेस डालेंगे, कहीं और उड़ीसा वगैरह के तो वो उस तरह के ड्रेस डालेंगे। तो इस तरह के उनके जो उनका खुद का ट्रेडिशन होता है, खुद का ड्रेसिंग स्टाइल होता है, उस तरह के उनके पपेट्स होते हैं। दे पोर्ट्रे द रीजनल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग एंड स्क्रप्चिंग। और क्या दिखाते हैं, ये क्या दर्शाते हैं कि वहाँ का रीजन का, उस रीजन का क्या स्टाइल है और किस तरह के वो वहाँ पर काम होता है। सो लेट अस रीड अबाउट देम। फर्स्ट इज स्ट्रिंग पपेट। स्ट्रिंग पपेट्स, स्ट्रिंग मतलब धागे से बंधी हुई, स्ट्रिंग पपेट्स और मैरियोनेट्स, इनको मैरियोनेट्स भी बोलते हैं। इनके क्या होते हैं, इनके लिम्स और जो सारे कुछ होता है वो कनेक्टेड होता है और ये सारा कुछ धागों से बंधा होता है। एंड ये जो पपेट होते हैं राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फेमस है। और इनके खुद के फेशियल फीचर्स होते हैं, खुद के इनके कॉस्ट्यूम्स होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम्स होते हैं। अब ये जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया राजस्थान कठपुतली के बारे में, द स्ट्रिंग पपेट्स ऑफ राजस्थान आर पॉपुलरली नोन एज कठपुतली। आपने बहुत बार सुना होगा, आप खुद भी राजस्थान के हैं तो आपको पता होगा कि ये राजस्थान में कठपुतली बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, जो कि एक वुड के सिंगल पीस से बनती है, मतलब एक सिंगल यू कैन से एक स्टिक ऑफ वुड से बनती है। उसी के ऊपर ही घाघरा चोली पहना के और उसी के ऊपर ही फेस को बनाकर ये सारा कुछ किया जाता है। दीज पपेट्स आर कलरफुली ड्रेस्ड डॉल्स, काइंड ऑफ डॉल्स होती हैं ये, और उनको अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहना देते हैं और ओवल फेसेस लगा देते हैं, बड़ी बड़ी आँखें लगा देते हैं और आईब्रोज लगा देते हैं आर्क की फॉर्म में, और बड़े बड़े इनके लिप्स होते हैं, इनकी लेग्स नहीं होती, और उसको लेग्स एरिया को कवर किया जाता है इन्होंने विद द लहंगा और इनकी जो कुर्तीज होती हैं उससे। देर लॉन्ग ट्रेलिंग स्कर्ट्स एंड हेड गियर्स डेपिक्स ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग। और इनकी जो स्कर्ट्स होती है, मतलब जो घाघरा होता है, और हेड गियर्स मतलब जो सिर पे ये जो मुकुट वगैरह पहनते हैं, तो वहाँ का ट्रेडिशनल जो राजस्थानी स्टाइल है उसको बहुत ज़्यादा दर्शाता है ये। एंड पपेटियर्स मैनेज देम ईजिली बाई 2 to 5 स्ट्रिंग्स टाइड टू देयर फिंगर्स विदाउट एनी सपोर्ट। और जो पपेटियर्स होते हैं, मतलब जो पपेट्स को चलाते हैं, वो इसको बहुत ईजिली मैनेज करते हैं बिकॉज जो फिंगर्स है के साथ ही कनेक्टेड होती हैं। सो आई एम शोइंग यू सम ऑफ द पपेट्स ऑफ राजस्थान। Thank you.
राजस्थान का पपेट डांस था। सो नेक्स्ट फर्दर इट इज उड़ीसा कुंदही। कुंदही आर द स्ट्रिंग पपेट्स ऑफ उड़ीसा। ये उड़ीसा के स्ट्रिंग पपेट्स होते हैं और दे आर मेड अप ऑफ लाइट वुड, बहुत हल्की वुड से बने होते हैं और ये लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स, लहराती हुई स्कर्ट्स पहनते हैं और जो इनका कॉस्ट्यूम होता है वहाँ का एक ट्रेडिशनल एक्ट होता है जटरा थिएटर होता है उड़ीसा में, उसके साथ उनकी जो ड्रेस है वो रिजेंबल करती है। और ये उड़ीसी डांस का जो म्यूजिक है उसको लेके चलते हैं, उसी को ही इसमें अपने डांस में इंक्लूड करते हैं। और पपेटियर्स जो होते हैं वो उसको बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं, इनके साथ एक स्ट्रिंग जो बंधी होती है उसके साथ मैनेज करते हैं। और स्ट्रिंग एक ट्राइंगुलर, एक त्रिकोण, एक वुडन एक सपोर्ट के साथ बंधी होती है, तो उसके साथ बहुत इजीली इसको मैनेज करते हैं। सो आई एम शोइंग यू सम लिटिल क्लिप ऑफ दिस डांस ऑफ उड़ीसा कुंदेही पपेट्स। This is Odisha Kundehi puppets. It looks like totally real puppets. So beautiful they are doing. So next we have further Karnataka Gombeyata. These are the string puppets of Karnataka. Karnataka के होते हैं, they enact the episodes of Yakshagana plays. Yakshagana play यहाँ वहाँ का एक famous होता है play, उसके जैसे उसके जो episodes होते हैं उनको ये play करते हैं, उनको ये वहाँ पर perform करते हैं। They look similar to the characters of Yakshagana और ये वहाँ के जो Yakshagana के जो characters होते हैं उनकी तरह लगते हैं। The complicated movements of the puppets are managed by 2 or 3 puppeteers at a time. और इनके जो बहुत complicated जो movements होती हैं वो 2 या 3 puppeteers मिलकर इसको manage करते हैं। और a fusion of folk and classic music accompanies it. और इसके अंदर folk और classical music लिया जाता है इस गोम्बेयता में। तो ये कर्नाटका का है string puppets. These are puppets. See how beautiful. See, they are moving with the strings, with the help of strings. Next, we have further. तमिलनाडु का बोम्बलतम। इसमें क्या है, बोम्बलतम आर बोथ रॉड एंड स्ट्रिंग पपेट्स। ये रॉड और स्ट्रिंग पपेट्स दोनों होते हैं, इसमें रॉड्स भी यूज होती हैं और स्ट्रिंग भी यूज होती है। एंड ये वुड के बने होते हैं और दीज पपेट्स आर लार्जेस्ट, हैवीएस्ट एंड मोस्ट आर्टिकुलेट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेरीनॉट्स। और ये इंडिया के जितने भी मेरीनॉट्स हैं, मतलब जितने भी पपेट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं और सबसे ज़्यादा इसमें आर्टिस्टिक्स इसमें यूज़ किया जाता है। एंड दे कैन राइज टू अ हाइट ऑफ 4.5 फीट। और ये मतलब इनकी जो हाइट होती है 4.5 फीट, मतलब एक नॉर्मल बच्चा जो होता है, नॉर्मल इंसान होता है, उसके हाइट के जितने होते हैं। और इनकी जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट 10 kg होता है। द स्ट्रिंग ऑफ द पपेट्स आर टाइड टू द पपेटियर्स रिंग लाइक क्राउन ऑन हिज हेड एंड मैनिपुलेट्स बाय द रॉड। और जो इनकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो जो पपेटियर होते हैं उसके सिर के साथ, सिर पे एक रिंग बंधी होती है उसके साथ वो टाइड होती हैं और उनको रॉड से मैनेज किया जाता है। दिस इज तमिलनाडु बोम्बलतम। लेट मी शो यू द क्लिप्स ऑफ बोम्बलतम। See here, the puppeteer is also visible. ट्रेडिशनल लैंग्वेज में ये पपेट शो हो रहा है, सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वी हैव शेडो पपेट्स। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट पेज। शेडो पपेट्स आर फ्लैट शाइनिंग फिगर्स कट आउट ऑफ नॉन वायलेंट लेदर। ये जो होते हैं शेडो पपेट्स, ये नॉन वायलेंट, मतलब ये एक काइंड ऑफ लेदर के बने होते हैं, एक काइंड ऑफ पीसेज में कटे हुए होते हैं। एंड दे आर पुट अगेंस्ट द स्क्रीन एंड ब्राइट लाइट इज फोकस्ड फ्रॉम बिहाइंड। ये एक स्क्रीन के ऊपर इनको लगाया जाता है और उनके पीछे से ब्लैक लाइट
डाली जाती है जिससे उनकी शेडो स्क्रीन पर बन जाती है। द शेडो अपीयर कलरफुल टू द व्यूअर्स, जो व्यूअर्स होते हैं उनको कलरफुल दिखती है वो शेडो। एंड दिस ट्रेडिशन ऑफ शेडो पपेट्स स्टिल एग्जिस्ट इन उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। और स्टिल अभी भी ये जो शेडो पपेट्स है अभी भी उड़ीसा, केरला और इस एरिया में ये अभी भी चलता है। सो लेट मी शो यू द क्लिप ऑफ शेडो पपेट्स। So it's quite interesting through the way of shadows how beautifully they have shown everything. Let us read further. Karnataka में जो shadow puppets है उसको बोलते हैं Togulu Gombeta. The shadow theater of Karnataka is known as Togulu Gombeta. In fact, large size puppets were made for kings and religious characters. इनमें क्या होता है कि लार्ज बड़े पपेट्स बनाए जाते हैं किंग और रिलीजियस करेक्टर्स के लिए, लाइक भगवान या गॉड गॉडेस के लिए जो है वो बड़े पपेट्स बनाए जाते हैं, और स्मॉल साइज बनाए जाते हैं कॉमन पीपल या फिर सर्वेंट के जो पपेट्स होते हैं उनके लिए स्मॉल साइज बनाया जाता है। देन वी हैव आंध्र प्रदेश थोलू बोम्मलता। थोलू बोम्मलता क्या होता है, इज द कलरफुल शेडो थिएटर ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश का कलरफुल शेडो थिएटर है एंड हैव द फाइनेस्ट एंड ग्रेटेस्ट ट्रेडिशन। बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है वहाँ पर। दीज पपेट्स आर क्वाइट ह्यूज विद जॉइंटेड वेस्ट। इनकी क्या होती है, वेस्ट जॉइंट होती है, शोल्डर्स, एल्बोज और नी सब कुछ जॉइंट होता है, और ये बहुत ही बड़े होते हैं साइज में। एंड दीज पपेट्स आर कलरफुल फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड से कलरफुल होते हैं। द थीम ऑफ पपेट प्लेज आर ड्रॉन फ्रॉम रामायण महाभारत या पुराण, जो पुराण वगैरह हैं या रामायण महाभारत हैं उनमें से इनका जो क्लिप्स ली जाती है उनको उस वहाँ पर पपेट शो के थ्रू दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो दिस वॉज शेडो थिएटर या शेडो पपेट्स। नाउ फर्दर वी हैव रॉड पपेट्स। रॉड पपेट्स, लेट मी शो यू द क्लिप रॉड पपेट्स। सो रॉड पपेट्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लव पपेट्स। जो रॉड पपेट्स हैं वो आगे हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ग्लव पपेट, उसके बारे में पता लगेगा। उसी का ही थोड़ा सा एक सुधरा हुआ रूप या कह सकते हैं उसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके रॉड पपेट्स बनाए गए हैं। दे आर ऑफ इनॉर्मस साइज, ये बहुत ही बड़े साइज के होते हैं। दे आर हेल्ड बाई रॉड्स फ्रॉम बिलो, नीचे से इनको रॉड्स के थ्रू होल्ड किया जाता है। दिस फॉर्म ऑफ पपेट्री स्टिल सर्वाइव्स इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में अभी भी ये पपेट्री चलती है। द वेस्ट बंगाल में इसको बोलते हैं पुतुल नाच, एंड द ट्रेडिशनल रॉड पपेट ऑफ वेस्ट बंगाल इसको बोलते हैं पुतुल नाच। एंड ये वुड के बने होते हैं और इनके खुद का ही स्टाइल होता है, और ये जाटरा एक्टर्स की तरह लगते हैं जो वहाँ पर जो थिएटर होता है जाटरा थिएटर्स उनकी तरह लगते हैं ये। एंड दीज पपेटियर्स स्टैंड बिहाइंड अ हेड हाई कर्टन एंड मैनिपुलेट द रॉड्स। ये मतलब उनका जो कर्टन होता है हेड की तरह उनके सिर के जितना बड़ा होता है, और उसके पीछे खड़े होकर वो रॉड्स को हिलाते हैं, रॉड्स को मैनिपुलेट करते हैं। द पपेटियर्स मूव एंड डांस टू गिव सच ग्रेस टू द पपेट्स। जो पपेटियर्स होते हैं वो मूव करते हैं और डांस करते हैं पपेट्स को ग्रेस देने के लिए। दे ऑल्सो सिंग एंड डिलीवर प्रॉज डायलॉग्स म्यूजिक टू द थिएटर अकंपनीड बाय अ ड्रम, हारमोनियम और सिम्बल्स। और ये सिंग भी करते हैं, अपने डायलॉग्स भी बोलते हैं, म्यूजिक भी देते हैं इन सबको, अपने जो पपेट्स हैं उनको ग्रेस प्रदान करने के लिए। तो दिस इज रॉड पपेट, दिस इज द क्लिप हियर। So are you watching, this is a play of Radha Krishna and it is shown very nicely through rod puppets. Next we have Bihar Yampuri. This is also a form of rod puppets. The traditional rod puppet of Bihar is popularly known as Yampuri. Isko Yampuri bola jata hai. These puppets are made of wood. Ye wood ke bane hote hain. These puppets are in one piece and have no joint. Inke koi joint nahi hota aur inka ek one piece hota hai. And the puppeteers control it differently. Jo puppeteers hote hain, jo puppets ko chalane wale hote hain, wo isko bahut hi different tarike se hold karte hain. Then next we have further glove puppets. ग्लव पपेट क्या होते हैं, ग्लव पपेट्स आर लाइक लिम्प डॉल्स। ये लिम्प डॉल की तरह होते हैं, मतलब काइंड ऑफ यू कैन से थंब के अंदर हमारी डॉल बनाई होती हैं इस तरह की। आपने अब नॉर्मली बच्चों के आजकल के टॉयज भी इस तरह के आते हैं, थंब में डल जाते हैं या पूरी फिंगर में डल जाते हैं, तो दैट काइंड ऑफ लाइक पपेट उसको बच्चे यूज़ करते हैं। तो इसको
पॉपुलरली इसको बोलते हैं स्लीव हैंड और पाम पपेट्स. स्लीव में भी डल जाते हैं कुछ, हैंड में डल जाते हैं, पाम में डल जाते हैं, तो इनको ये बोला जाता है. द हेड इज़ मेड अप ऑफ पेपियर मैश और क्लोथ और वुड. ये जो इनका हेड होता है इनका, या तो पेपर को मैश करके बना होती है या क्लोथ को या वुड का बना होता है. और टू हैंड्स एमर्ज जस्ट बिलो द नेक, और इनके बिल्कुल नेक के नीचे से दो हैंड्स निकलते हैं. दे वियर लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट, लॉन्ग बड़ी स्कर्ट पहनते हैं ये. द पपेटियर्स स्किलफुली मैनिपुलेट दिस पपेट. जो पपेटियर्स होते हैं बहुत स्किल के थ्रू उसको मैनेज करते हैं. दिस फॉर्म ऑफ पपेटियर इज कॉमनली यूज इन उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, वहाँ पर ये अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस है. इन उत्तर प्रदेश पपेटियर्स डिपिक्ट सोशल थीम्स थ्रू दीज पपेट्स. उत्तर प्रदेश में सोशल थीम्स को, जैसे यू कैन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर सफाई रखो, इस तरह की कुछ सोशल थीम्स वगैरह लेकर, लाइक छोटे बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए, ये सोशल थीम्स वगैरह लेकर उसको डिपेक्ट करते हैं अपने प्ले के थ्रू. राधा एंड कृष्ण के एपिसोड्स को प्रेजेंट किया जाता है उड़ीसा में. और इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे जो पपेटियर्स होते हैं एक हैंड से पपेट को मैनेज करते हैं और फिर दूसरे हैंड से सिंक्रोनाइजेशन करते हो, मतलब दूसरे हैंड से बिल्कुल रिदमिक वे में वो ढोलक को प्ले करते हैं, मतलब दोनों काम वो इकट्ठे करते हैं, एक ही हैंड से दोनों काम वो करते हैं. एक हैंड से पपेट को मैनेज करते हैं और दूसरे हैंड से वो अपनी ढोलक बजाते हैं. तो दिस इज ग्लव पपेट एंड आई शो यू द क्लिप ऑफ ग्लव पपेट. Activities for festivals or dates and birthdays. This is glove puppet. How the hand a little you would be. See. There are two parts to a glove puppetry performance. The puppeteer performs on stage while musicians play backstage using music to control the atmosphere. See this. In Taiwanese glove puppetry, there are six essential elements. Play. A clear division of responsibilities. The traditional stage is called puppets dikhaye gaye hain. Ye sare glove puppets hain. And inka jo theater hota hai bahut hi sundar, ye theater manage karte hain, bahut hi sundar hota hai. Everything is done very nicely. So isme ek hi hamara reh gaya ab Kerala Pavikuthu. Ye bhi hamara ek glove puppet hota hai, Kerala ka puppet hai ye. Isme head aur arm jo hote hain wo wood ke bane hote hain aur ek dusre ke sath tied hote hain aur thick cloth hota hai. और एक काइंड ऑफ स्मॉल बैग्स के थ्रू ये सारा कुछ अटैच्ड होता है, जिसमें जो पपेटियर होता है पीछे से हैंड डाल लेता है एंड जो पपेटियर होता है उसको मैनेज करता है. और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, कॉन्च वगैरह इसमें इंक्लूडेड होते हैं. और इस ये वाला जो एक्ट है ये कथकली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता है. और इसमें रामायण महाभारत के प्लेस को भी पपेट दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है थ्रू ग्लव पपेट. सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो. I tried to explain you very nicely and I hope you all enjoyed the video. Thank you very much.